इधर सहरसा में मानसून की शुरुआत होते ही जगह जगह जल जमाव की समस्या एक बार फिर उत्पन्न शुरू हो गई है। लगातार दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर परिषद की पोल खोल दी है। एक तरफ जहां नगर परिषद के तकरीबन सभी वार्डों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, वहीं दूसरी ओर लोग भी जमकर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर सहरसा अब डूबने को तैयार है। जल जमाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं की गई है और न ही जल निकासी को कोई लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसे लोग जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और ऐसे में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में हो या अन्य वार्ड, सभी जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गली मोहल्ले हो या मुख्य सड़क, सभी पानी से लबालब दिख रहे हैं। लोगों का चलना दुसावर हो गया है, तो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोग समीर पाठक ने बताया कि एक बार फिर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को लूटने का मौका मिल गया है। हर बरसात के मौसम में जिला प्रशासन स्थायी समाधान के नाम पर सिर्फ लूट खसोट करती है। जल जमाव की समस्या कोई नई बात नहीं है, ये विभिन्न जो है हम लोग दो सालों से देख रहे हैं। यहाँ पानी यहाँ से निकलता ही नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लापता है, यहाँ के प्रशासन जो है सोई रहती है। अभी तो ये वर्ष बारिश में ये टेलर है, शुरुआती लक्षण है। 5 दिन के बाद देखिएगा ऐसी बारिश होगी जो सहरसा पूरा जलमग्न हो जाएगा। आज भी रात में घरों से लोग पानी 2 बजे रात तक उपज के रोड पर फेंके हैं पानी। इसलिए यहाँ की समस्या का कोई निराकरण नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। प्रतिनिधि भी हमारे लापता रहते हैं। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 11 है।